बोनस नहीं मिला तो ट्रेनें नहीं चलने देंगे, आर के बाली मंडल अध्यक्ष NIMU। लगातार जहां पूरी दुनिया में कोरोना का संकट बना रहा, वहीं कुछ कोरोना योद्धा के रूप में कुछ कर्मचारी ऐसे थे जिन्होंने अपनी जान खतरे में डालकर दिन रात देश और समाज की सेवा की है, लेकिन देश और समाज के लिए काम करने के बाद भी उन्हें उनकी मेहनत का बोनस का पैसा सरकार से नहीं मिल रहा है, जिसको लेकर कर्मचारी बहुत आक्रोशित हैं। कर्मचारियों ने आज आंदोलन शुरू कर दिया है और उनका कहना है कि अगर सरकार ने हमारी नहीं सुनी तो हम लोग एक स्ट्राइक पर चले जाएंगे। मुरादाबाद जनपद में रेलवे कर्मचारियों ने NIMU के नेतृत्व में कोरोना काल में बोनस न मिलने पर आंदोलन शुरू कर दिया है। आंदोलन कर रहे कर्मचारियों का कहना है, जब हमने अपनी जान को खतरे में डालकर लगातार अपने समाज और देश के लिए कोरोना काल में मेहनत की है, उसके बावजूद भी हमें हमारी मेहनत का सही परिणाम नहीं मिला है, जिसके बाद आज हम सभी लोगों ने NIMU के तत्वाधान में बोनस न मिलने को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। कर्मचारियों ने जुलूस निकालकर मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय के यूनियन ऑफिस में जमकर करा विरोध प्रदर्शन। कर्मचारियों ने साफ कर दिया, अगर सरकार ने उन्हें उनकी मेहनत का पैसा समय पर नहीं दिया तो वह लोग स्ट्राइक पर चले जाएंगे। मेरा नाम राजेश चौबे है। आज का प्रोग्राम ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के आह्वान पर पूरे हिंदुस्तान में जो रेल कर्मचारियों को हमेशा बोनस मिलता था उसकी लड़ाई है, क्योंकि अभी तक सरकार ने इस प्रकार से कोई भी अभी अनाउंस नहीं किया है। जो PLB के आधार पर हमको बोनस मिलता था, उस बोनस को ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के सिपाहियों ने, नॉर्दर्न रेलवे मेंस के सिपाहियों ने लड़के प्राप्त किया था, और इसके लिए अभी हमारी स्टैंडिंग कमेटी ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के महामंत्री कॉमरेड शिव गोपाल मिश्रा जी के द्वारा आयोजित की गई, जिसमें निर्णय लिया गया कि दिनांक 20 तारीख को पूरे भारतवर्ष में जितने भी हमारी यूनियन हैं, जितने भी हमारे संगठन के कार्यकर्ता हैं, वो लोग इसको लेकर अपना एक जो दिवस है बोनस दिवस के तौर पर मनाने का काम करेंगे। आज उसी के आधार पर हम लोग बोनस दिवस मनाने के लिए यहाँ मंडल कार्यालय मुरादाबाद मंडल में एकत्रित हुए हैं। तमाम साथी हमारे इस चीज़ को लेकर एकत्रित हैं और इसमें विरोध कर रहे हैं कि जो बोनस हमारा मिलना चाहिए था, जिसका सरकार ने अभी तक अनाउंस नहीं किया, अगर वो 21 तारीख तक इस पर कोई एक्शन नहीं लेती है, कोई अनाउंस नहीं करती है, तो स्वाभाविक सी बात है कि पूरे भारतवर्ष की रेल जहाँ खड़ी है वहीं खड़ी हो जाएगी। ये ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन का आह्वान और उन्होंने ये फैसला लिया है।